पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन स्थित नवनिर्मित भवन पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ के नाम को बदलने की मांग को लेकर गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता संजय यादव के नेतृत्व में छात्रों ने मंगलवार को गोरखपुर विश्वविद्यालय गेट के समक्ष धरना दिया। इस दौरान छात्रों ने जमकर नारेबाजी भी की। छात्रों का कहना है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में नवनिर्मित शोधपीठ भवन का निर्माण समाजवादी चिंतक स्वर्गीय मोहन सिंह के अथक प्रयास के बाद हुआ था, इसलिए गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रशासन को पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ का नाम हटाकर स्वर्गीय मोहन सिंह के नाम से रखा जाना चाहिए। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए छात्र नेता संजय यादव ने कहा, देखिए गोरखपुर विश्वविद्यालय में जब पूर्व सांसद मोहन सिंह जीवित थे तो 2 करोड़ रुपया दिए थे और यह प्रस्ताव हुआ था कि मोहन सिंह संग्रहालय बनेगा, लेकिन पूर्वांचल संग्रहालय बनाया गया और प्रस्ताव जस का तस रखा गया। उसके बाद दीनदयाल शोध पीठ कहीं उस संग्रहालय पे नहीं था, उसका कब्जा कर लिया गया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मोहन सिंह संग्रहालय नाम रखा जाए और दीनदयाल का कब्जा हटाया जाए। इसी मांग को लेकर हम धरना दिए हैं और हमारी मुख्य मांग यही है कि मोहन सिंह समाजवादी चिंतक थे, समाजवादी पुरोधा थे और नेता थे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट थे, इतनी बड़ी धरोहर थे देश की, और उनके दिए हुए उनके किए हुए कामों पे दीनदयाल का कब्जा, जबकि विश्वविद्यालय का नाम ही दीनदयाल उपाध्याय है, ये कहां तक न्याय उचित है। तो हमारी मांग है कुलपति से कि तत्काल प्रभाव से बाबू मोहन सिंह संग्रहालय नाम रखा जाए और दीनदयाल का कब्जा हटाया जाए।